प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से आगामी 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के तहत राज्य सरकार की ओर से रविवार देर रात को लागू की गई नई गाइडलाइन में अब सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही अनुमत दुकानें खोलने की स्वीकृति जारी की गई है। नई गाइडलाइन के तहत अब सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक केवल 5 घंटे तक ही दुकानें खोली जा रही है, लेकिन इन 5 घंटों में शहरी क्षेत्र में इतनी भीड़ दिखाई देती है कि शेष समय होने वाले लोग को कोई औचित्य नजर नहीं आता है। 5 घंटे की छूट के बाद जो ही पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती शुरू की जाती है तो शहरी क्षेत्र में हर तरफ दोपहिया वाहनों की रेलम्पेल शुरू हो जाती है। इस रेलम्पेल के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना संभव नहीं हो पाता। मंगलवार को ऐसा ही नजारा शहर के रेल पुलिस चौकी से लेकर बीएल टावर तक दिखाई दिया। यहाँ के दृश्य को देखकर तो लग रहा था जैसे किसी फिल्म का शो छूटा हो और बंद रेल फाटक खुली हो। एक साथ इतनी सारी भीड़ को देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण से बचना कैसे संभव है। अगर इस भीड़ में एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव में अगर किसी अन्य को चपेट में ले लिया हो और वह व्यक्ति फिर पहुंच गया तो फिर एक साथ उस परिवार के सदस्य भी संक्रमण की चपेट में आ गए। उधर जानकारी मिली है कि मंगलवार को रेल पुलिस चौकी से लेकर बीएल टावर तक जो भीड़ दिखाई दी उसका कारण पुलिस प्रशासन की ओर से बीएल टावर के सामने तथा रेल पुलिस चौकी के बाहर लगाए गए बैरिकेडिंग के कारण हुई है। पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग के कारण यहां पर एक तरफ यातायात की व्यवस्था की गई है जिसके कारण एक ही लाइन में आने व जाने वाले वाहनों का दबाव बढ़ गया। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन के सामने चुनौती इस यातायात को नियंत्रित करना है। सुबह के 5 घंटों में भी प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कौन व्यक्ति वास्तव में किसी आवश्यक कार्य से शहर में आ रहा है या फिर ऐसे ही घूमने के मकसद से। पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लानी होगी ताकि ऐसे मनचले लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा सके। साथ ही पुलिस प्रशासन को मुख्य मार्गों पर लगाई गई बैरिकेडिंग को 11 बजे तक खोलना होगा ताकि जाम जैसी स्थिति नहीं बने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। 11 बजे तक ऐसे मार्गों पर बैरिकेडिंग को बंद करते हुए सख्ती बढ़ानी होगी ताकि बेवजह घूमने वालों पर नजर रखी जा सके। तजीज में उत्तम खाने का बेहतरीन रेस्टोरेंट जी हाँ होटल राजमहल की नई पेशकश राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे गार्डन रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट की बेहतरीन सुविधा के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था में चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनेस वे और भी अन्य व्यंजनों के साथ भोजन की एक से बढ़कर एक वेराइटियाँ। तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट होटल राजमहल जोधपुर रोड ब्यावर। फोन नंबर 01462224904224530। जे स्काय रेडीनेट फाइबर कोई भी कंपनी हमारी स्पीड का मुकाबला कर नहीं सकता। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, हाई क्वालिटी विद लो कॉस्ट, वेरी फास्ट। हेलो, आर यू रेडी फॉर जे स्काय रेडीनेट कनेक्शन? हेलो, सबका शुभ बुकिंग कीजिए, प्लीज कॉन्टैक्ट। हेलो, आर यू रेडी फॉर जेस कॉल रेडीनेट कनेक्शन? दैट्स राइट। देयर इज टू थिंग्स फास्टेड इन द वर्ल्ड, नंबर वन यू नो, नंबर टू जेस कॉल रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस। ये ना रास्कल, आज ही कनेक्शन लगवाना जी। जेस कॉल रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस, आज ही कनेक्शन लगवाइए और संपर्क कीजिए 9852523002, 9852828828828।